नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर रीवा से। राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए हुई सजा और संसद से किया गया बाहर। जी आपको बता दें, राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा के बाद संसद सदस्य खत्म कर दी गई है, जिसका लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। रीवा ग्रामीण और शहर अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा पर निशाना साधा। ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का सिर्फ यह दोष था कि उन्होंने 2 सवाल मोदी से पूछा था। पहला सवाल था कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ कहां से आए हैं। अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता क्योंकि वह इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। यह पैसा कहां से आया, किसका काला धन है या किसकी सेल कंपनियां हैं या कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं, कोई क्यों नहीं जानता। या किसका पैसा, इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है, कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है या चीनी नागरिक कौन है। दूसरा सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अडानी से क्या रिश्ता है। उन्होंने अडानी के विमान में आराम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें दिखाई थी। शर्मा ने कहा कि यही 2 सवालों को पूछने के चलते राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर किया गया है। साथ ही राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा अपने आप को खतरे में महसूस कर रही थी। आइए आपको ले चलते पत्रकार वार्ता में, जहां शहर और ग्रामीण अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी है। बने रहे प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में, आपकी खबर हमारी नजर। वर्ष तक राहुल गांधी जी संसद में ना जाएं, ऐसा क्यों? इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है, इसके पीछे छुपी बात क्या? साथियों, इसके पीछे छुपी बात यह है कि राहुल जी जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को 2 किस्म की उससे तकलीफ हुई। एक तो आगे आने वाली राजनीतिक खतरा लगा, दूसरा अहंकार को चोट लगी। और जब किसी ये अहंकार कि अच्छा तुम मेरे को बोलोगे, देखो मैं क्या कर सकता हूं, शासन का घमंड, अहंकार। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अहंकार लोकतंत्र में कभी बचा नहीं। जनता ने इसकी सजा अवश्य सुनाई है, जो कि हमको आगामी चुनाव में दिखेगा। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं, जो आपको निश्चित ही आप लोग उसे सोचने पे विवश होंगे। भाजपा नेताओं के खिलाफ बहुत सारे मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा सांसद आरके सिंह पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें केवल 1 सजा हुई, 1 साल की सजा हुई। और राहुल गांधी जी को 2 वर्षों की सजा दी गई। प्रणाम, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे देश में लोकतंत्र पे एक बड़ा आघात पहुंचाया गया। माननीय राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, इनकी आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा सदस्यता समाप्त की गई। इसी विषय पे मेरी ये प्रेस वार्ता है। साथियों, मैं आपसे कुछ अलग किस्म की बातें करना चाहता हूँ। उसमें इसके पीछे के कारण, इसके पीछे के जो रहस्य हैं, इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। राहुल जी ने, मैं आपको सारे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी बताना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे कुछ घटनाएं होती हैं। राहुल गांधी जी सदन में प्रश्न पूछते हैं। राहुल गांधी जी सदन में प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी जिस हवाई जहाज का प्रयोग कर रहे थे 2014 के चुनावों में, वो अडानी ग्रुप का था। उनका प्रश्न ये था कि हाल में हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अडानी जी की कंपनियों में, डिफरेंट ग्रुप्स में जो 20,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, उनकी शेल कंपनियों में, शेल कंपनीज मतलब फर्जी कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए लगा है, और वही पैसा जो है वो किसका है, उसकी ओनरशिप किसकी है, ये पता चलना चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर ये किसी कांग्रेस के सांसद की है, किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री की है, किसी उद्योगपति की है, तो उसका नाम आना चाहिए और उसकी विधिवत उस पर कानूनी कार्यवाही की जाए।
और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के किसी संबंधित नेता की है, किसी नेता के रिश्तेदार की है, तो उस पर भी न्यायोचित कार्यवाही होनी चाहिए। एक प्रश्न उनका। दूसरा, उन्होंने एक चीज कही कि प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे जाते हैं और विदेश यात्रा में जब लौटते हैं तो वहाँ एक अडानी जी डिफेंस डील साइन करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हर बार उनकी विदेश यात्रा के पीछे एक डिफेंस डील साइन होती है? ये उनके प्रश्न थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें कि इसमें आपस में क्या रिश्ता है। अडानी जी का अडानी प्रश्न पूछते हैं संसद में, अडानी जी के खिलाफ अडानी जी के रिश्ते सरकार से क्या हैं, इसको लेके जैसे ही प्रश्न पूछते हैं वैसे ही वो पूर्णेश मोदी जी पुनः कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट में जो उन्होंने रोकने की अर्जी लगाई थी वो उसको वापस ले लेते हैं। देखिए, फरवरी 16, 2023 को उन्होंने वापस ली और मार्च 23 में ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया। यहाँ हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में आप कोई अर्जी लगाओ और फिर उसका परिपालन आप परिणाम के रूप में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करा लो, एक महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, ये असंभव लगता है, पर ये सब हो रहा है। ये एक क्रोनोलॉजी है जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर ट्रायल कोर्ट क्या करता है, राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में 2 वर्ष की सजा सुनाता है। 2 वर्ष की सजा मानहानि के केस में उच्चतम सजा होती, हाईएस्ट पनिशमेंट है। मानहानि के केस में जनरली ऐसा होता है कि आपको 1 दिन की सजा होती है, 8 दिन की सजा होती है, या आपको सुबह से शाम तक खड़े रहने की सजा होती है कोर्ट में, इस किस्म की होती है। 2 वर्ष की सजा उच्चतम सजा है। महात्मा गांधी को एक सांसद के द्वारा अपशब्द बोले जाते हैं, हमारे राष्ट्रपिता है, अवमान्य केस नहीं लगता, मानहानि नहीं होती। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, अगर कोई आपत्तिजनक बात करते हैं तो केस नहीं होता। जज साहब माननीय क्या कहते हैं कि बोलते वक्त वो मुस्कुरा रहे थे, मतलब मजाक में बोल रहे थे, इसलिए अनुराग ठाकुर पे केस नहीं लगता। भोपाल की सांसदा सांसद महोदया जो है हमारी, उन पे राष्ट्रपिता का अपमान करने पे केस नहीं लगता। मोदी जी खुद कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि एक सांसद इस किस्म का बयान राष्ट्रपिता के खिलाफ बोल रहा है। मोदी जी को शर्म आ रही पर उन पे अवमान्य नहीं लग रही, राहुल गांधी जी पे अवमान्य लग रही है। और अवमान्य में फैसला कितना सुनाया जा रहा है, 2 वर्ष। अब इसमें भी एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ, किसी भी सांसद को अयोग्य ठहराने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की सजा अनिवार्य है। मतलब अगर वो 2 वर्ष 1 महीना हाई न्यूनतम होता तो ये 2 वर्ष 1 महीना सुना, उन्होंने 1 वर्ष 11 महीने की सजा नहीं सुनाई, उन्होंने 1 वर्ष 10 महीने की सजा नहीं सुनाई, उन्होंने 1 महीने की नहीं सुनाई, उन्होंने क्या बताई, 2 वर्ष की सजा। 2 वर्ष की सजा जो मानहानि के केस में उच्चतम सजा और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम है। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण स्पष्ट बात है कि राहुल गांधी जी का जो प्रश्न है अडानी जी को लेके, उसने सरकार को भयभीत किया। आनन फानन में सरकार ने उनकी सदस्यता की, निलंबित की। सदस्यता निलंबित करने से क्या फायदा, अवमान्य केस में 2 वर्ष की सजा होने पे राहुल गांधी जी 2 वर्ष और उसके आगे आने वाले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।